नूप के जरिए पीएम मोदी का विपक्ष पतंज बोले रैली में करेंगे इस शब्द का उपयोग। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। नूप के जरिए पीएम मोदी का विपक्ष पतंज बोले रैली में करेंगे इस शब्द का उपयोग। बहुत संभव है कि राजनीतिक रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी न कभी अंग्रेजी के एक ऐसे शब्द नूप, नौसिखिया, कमजोर खिलाड़ी का इस्तेमाल करें जो सामान्यतः कंप्यूटर गेमिंग में खिलाड़ी करते हैं। देश के चुनिंदा 7 गेमरों के साथ मुलाकात में पीएम ने चुटकी लेते हुए कहा, मैं अगर रैली में शब्द का इस्तेमाल करूं तो आप समझ जाएंगे कि किसके लिए कह रहा हूं। प्रतिक्रिया में गेमर ठटाकर हंसते हुए बोले, लगातार विभिन्न क्षेत्र के लोगों से मिल रहे पीएम ने कुछ दिन पहले कुछ ऐसे कंप्यूटर गेमरों से मुलाकात की जो इलेक्ट्रॉनिक गेम बनाते हैं। इन्होंने अपने लिए एक स्थान बनाया है। प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात कर उन्हें ऐसे गेम बनाने के लिए प्रेरित किया जो जलवायु परिवर्तन जैसी वास्तविक समस्याओं को लेकर भी जागरूकता पैदा करें। गौरतलब है कि पहले भी उन्होंने गेमरों से भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखकर गेम बनाने की अपील की थी। मोदी ने कहा कि गेमिंग उद्योग को किसी विनियमन की आवश्यकता नहीं है, इसे मुक्त रहना चाहिए, तभी इसका विकास होगा। गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग का आकार बहुत बड़ा है। माना जाता है कि भारत में लगभग 45 करोड़ लोग गेमिंग करते हैं, जबकि 9 से 10 करोड़ लोग इसके लिए भुगतान भी करते हैं। हाल में सऊदी अरब ने ई गेमिंग वर्ल्ड कप आयोजित करने की भी बात कही। स्पष्ट है कि पीएम नहीं चाहते कि भारत ऐसे उभरते क्षेत्र में पीछे रह जाए। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ने जहां इस क्षेत्र को लेकर अभी से सरकार की गंभीरता जताई, वहीं राजनीतिक रूप से भी बहुत बड़ा संदेश दिया है। 2 महीने पहले उन्होंने क्रिएटर्स अवार्ड से भी कई ऐसे लोगों को सम्मानित किया था जो अपने अपने क्षेत्र में इन्फ्लुएंसर माने जाते हैं। क्रिकेटर्स की तरह ही गेमर भी पूरी तरह प्रभावित होकर गए। वहीं इसी दौरान चर्चा में जब बातचीत के लिए शॉर्ट शब्द की बात आई तो प्रधानमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार कामकाज के दौरान जब P2G2 शब्द इस्तेमाल करती है तो उसका अर्थ होता है प्रो पीपल गुड गवर्नेंस। गेमर ने बताया कि वह नूप शब्द का इस्तेमाल तब करते हैं जब सामने वाला खिलाड़ी अच्छा ना खेल पा रहा हो। इस पर प्रधानमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि रैली में वह इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो आप समझ जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।